एकता मंच द्वारा बुजुर्गों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई से सटे वसोवा में स्थित ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन के लिए एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में सिंगिंग का आयोजन किया गया, जहां पर कई सिंगरों ने अपनी आवाज में लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल सर, वसोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री शशिकांत माने, समाज सेवक प्रशांत काशिद मौजूद रहे। आने वाले समय में एकता मंच बुजुर्गों के लिए और भी कार्य करते हुए नजर आएगी। सुनते हैं इस खास मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए मुंबई से ये खास रिपोर्ट। ध्यान रखना चाहिए। आई एम प्लीज टू अनाउंस कि वी हैव टाइड अप विद नानावटी हॉस्पिटल फॉर एनी इवेंट। उनके साथ हमारी बातचीत हो गई है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एंड आई विल बी पासिंग ऑन टू द मेंबर्स। देन फिर उन्होंने कहा कि लीगली भी दे शुड बी आल्सो लीगल सेल इन्होंने शुरू किया है विच इज फ्री, जिसमें आप अपने कोई भी प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स। एंड आई थिंक इट वॉज ऑल अप्रिशिएटेड बाई ऑल बिकॉज इट वॉज अ वेरी मीनिंगफुल फिल्म। Secondly, then again, I asked Mr. Yuvraj, is the film an end or are we going to keep on going this activity? Mr. Gulati came up with the suggestion, why not have a get together where we have a variety entertainment program? And that is how we decided to have a variety entertainment program. But this variety entertainment program is your program. It is not only singing, showing your talent, but I think let us change it to a talent hunt program. You can dance, you can enjoy, and let us give it a different mood. So whatever is your suggestion, we could of course carry on for till 7:38 as per your convenience. Now my only request to you, if any few members from the audience can just tell me what is expected from Ekta Manch and what you want Ekta Manch to work for. Since it's an apolitical organization, your suggestions would definitely help us to get associated with different section of the society. A few suggestions would definitely help us. देखिए, एकता मंच पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो जो सामाजिक समस्या है उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप फॉर्म्स देते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा प्रयत्न रहता है कि उसमें ऐसे लोग जुड़े जिन्हें सचमुच समाज के प्रति काम करने की इच्छा है। और खास करके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी उसका मेंबर ना बने। सर, सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब लोग इच्छा। आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी एक रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद कार्य खुद अपने पैसों से अपने फंड से करती है, क्योंकि एकता मंच को सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद के लिए उन लोग अपने फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, मैं आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जब हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ, तो हम लोग बच्चों के साथ लेकर बुजुर्गों के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए जैसे हम लोग पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट करते हैं, यूथ को एक साथ जोड़ने के लिए। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि लोगों को एकजुट लाना और अमन और शांति रखने के लिए मुंबई शहर में प्रयत्न करना, यही हमारा बेसिक मकसद है, चाहे वो मोहल्ला कमेटी वुमेन ट्रस्ट का हो या एकता मंच का हो। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूर हमें उनको भी, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने सोसाइटी का, तो उनके साथ मिलकर काम करें। तो हमने शुरुआत की थी उन्हें एक ऊंचाई फिल्म दिखा के, जहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स इकट्ठे हुए। और आज आपने देखा होगा कि उनके लिए एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा। अब ये वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की खास खासियत ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो खुद गाना गाएंगे, वो खुद डांस करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारा टैलेंट है। तो ये टैलेंट हंट की तरह से हमने ये प्रोग्राम रखा है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग ये डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए मुंबई पुलिस के लिए प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहें, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताएं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में मालूमात करें, उसको सोल्यूशन करें।
ये हम लोग ऑलवेज करते रहते हैं। ये एक अच्छा मौका था मेरे को एकता मंच के स्टेज के माध्यम से कि सबसे मैं गुफ्तगू कर पाऊँ या कुछ बात कर पाऊँ, और ये मौका मेरा मुझे अजय कौल सर ने दिया, तो वेरी मच थैंक यू। इस माध्यम से और भी सबके साथ में जुड़ के सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेके हम लोग उसके ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं। एकदम बराबर, इसके लिए एकता मंच का हमको बहुत सारा बहुत उपयोग होने वाला है। पर्सनल ढूंढ के नहीं मिलने लगे, इनके पास का डेटा हमको सिंगल सिटीजन और उनके पहचान के सिंगल सिटीजन जो अकेले रहते हैं उनके बारे में ढूंढना बहुत अभी आसान होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ ये मुझे मौका मिला है तो हमको काफ़ी हद तक इसमें आसानी हो जाएगी सब तक पहुँचने की और कुछ भी हाथ से टालने की, उनके साथ में गुफ्तगु करने की। पर्सनैलिटी नो मोर वर्ड्स। देखिए एकता मंच की अपनी वेबसाइट है, हमारा लोगों के साथ ईमेल द्वारा